Hello friends, I am Komal and welcome back to the House of Kalakruti and welcome back to the new DIY video. आज का वीडियो है DIY लैम्प. हम घर पे और वो भी कम बजट में लैम्प कैसे बना सकते हैं वो आज हम देखेंगे. ऑलरेडी एक डिज़ाइन अपने बेडरूम में एक और वीडियो में देखी है, उसकी कंप्लीट ट्यूटोरियल मैं आज बताऊंगी. और जो सेकेंड लैम्प है वो मैंने जो घर पे अवेलेबल चीज़ थी उसी से ही बनाया है. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. पर उसके पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद मेरे पास एक सरप्राइज है आप सभी के लिए. फर्स्ट लैम्प के लिए हमें चाहिए एक बाम्बू बास्केट, कोई भी साइज का हो अकॉर्डिंग टू योर लैम्प हाइट. और उसके साथ ही हमें एक चाहिए स्टिक. यहाँ मैं ओल्ड ट्यूबलाइट यूज़ कर रही हूँ. यहाँ मैंने ट्यूबलाइट को वाइट सीमेंट से बास्केट को फिक्स कर दिया है. आप ग्लू गन और वाइट सीमेंट कुछ भी यूज़ कर सकते हैं. इसके बाद एक स्ट्रॉन्ग लैम्प बेस तैयार करने के लिए हमें चाहिए एक सर्कल और कोई भी शेप का कंटेनर, जिसे हम प्लास्टिक शीट से कवर करेंगे. कंटेनर हम थोड़ा बड़े साइज़ का यूज़ करेंगे. यहाँ मैंने वाइट सीमेंट को पानी के साथ मिलाकर एक पेस्ट तैयार कर ली है. अभी मैं सभी साइड से इक्वली उसको स्प्रेड करूँगी. यहाँ मैं पूरा 1 kg का वाइट सीमेंट का पैकेट यूज़ करूँगी. और वाइट सीमेंट डालने के बाद हमें इसी तरह से डैब करना है, इस वजह से वो वाइट सीमेंट पूरा इक्वली स्प्रेड होगा. 4 hours में वाइट सीमेंट फिक्स हो जाता है, पर एक्स्ट्रा प्रिकॉशन की वजह से मैंने पूरी रात सेट होने के लिए रख दिया था. पहले प्लास्टिक शीट को सेलोटेप से फिक्स किया था, तो इसलिए मैं पहले प्लास्टिक शीट को कंटेनर से निकालूंगी. आप देख सकते हैं प्लास्टिक शीट यूज करने से यहाँ पे बहुत ही इजीली वाइट सीमेंट का बेस निकल जाता है और कुछ डैमेज भी नहीं होता है. तो ये बेसिक लैम्प स्ट्रक्चर रेडी हो गया. अभी बास्केट को थोड़ा डेकोरेट करते हैं. बाम्बू और वाइट पेंट कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए यहाँ मैं ऊपर की साइड वाइट एक्रेलिक कलर से कलर कर रही हूँ. मुझे यहाँ पे मैक्रेमे थ्रेड से डिज़ाइन करनी थी, पर थ्रेड अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ फिर से वाइट कलर का कलर की वूल यूज़ कर रही हूँ. एक बड़े थ्रेड को ऐसे वर्टिकल वूल अटैच कर लिए हैं और इसकी कोई भी फिक्स साइज नहीं है. मैंने यहाँ पे एज पर बास्केट साइज लिया है. वूल को बास्केट को ऐसे तरीके से लगाऊंगी और अल्टरनेट जो वूल है थ्रेड है उसको लेके मैं एक साथ नॉट करूंगी. इसे पूरे बास्केट के थ्रेड अल्टरनेट में अटैच करूंगी. और ये सेम प्रोसीजर मैं 2 बार फिर से करूंगी. तो एक ऐसे कुछ डिज़ाइन तैयार होगी. यहाँ मैंने कुछ वूल के छोटे पार्ट कट करके लिए हैं. अभी मैं इस तरीके से उसे नीचे की साइड अटैच करूँगी. लास्ट में ये जो 3 डिफरेंट वूल दिख रहे हैं उसे एक ही नॉट से फिक्स करूँगी, सो इट लुक लाइक टैसल. आप सोचोगे लैम्प हो गया बट लाइट कहाँ है, तो हियर इज़ द लाइट. मैं यहाँ फेरी लाइट यूज़ कर रही हूँ जो कि बैटरी ऑपरेटेड है. आप फेस्टिवल की कोई भी स्ट्रिंग लाइट यूज़ कर सकते हैं. फेरी लाइट को सेलोटेप और ग्लू गन के हेल्प से बास्केट के अंदर के साइड अच्छे से फिक्स करूँगी. बास्केट को और थोड़ा डेकोरेट करने के लिए
यहाँ मैं पिंक कलर की लेस ले रही हूँ। मैं ग्लू गन से उसे अच्छे से बास्केट को स्टिक करूँगी। आपको ये लैम्प कैसे लगा मुझे ज़रूर बताना एंड वीडियो को लाइक कर देना। आज का हमारा सेकेंड लैम्प आपने ऑलरेडी मेकओवर वीडियो में देखा है एंड दिस वन इज़ माई फेवरेट। ये बनाने के लिए हमें चाहिए 2 एल जॉइंट और 1 टी जॉइंट। उसके साथ ही हमें पीवीसी पाइप का एक टुकड़ा जो 8.5 इंच का मैंने यहाँ लिया है और जो दूसरा सबसे छोटा है वो मैंने 4 इंच का लिया है और सबसे बड़ा जो पार्ट है पीवीसी पाइप का वो अप्रोक्सीमेटली 5 फीट है। सभी जो पीवीसी पाइप के पार्ट है वो अटैच करके लेंगे हम। सबसे पहले जो 8.5 इंच का पीवीसी पाइप का टुकड़ा था उसे हम दोनों साइड से एल जॉइंट से कनेक्ट करेंगे और जो सबसे छोटा पीवीसी पाइप का टुकड़ा था जो 4.4 इंच का था उसे मैं टी जॉइंट से जॉइन करूँगी। टी जॉइंट यूज़ करने के पीछे एक ही इंटेंशन था, हम वायर को यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं और इन फ्यूचर कुछ भी डैमेज हो तो हम इजीली एक्सेसिबल होके रिपेयर करने के लिए। अब पीवीसी पाइप का जो बड़ा टुकड़ा है 5 फीट का वो अटैच करूँगी मैं टी जॉइंट को एंड लास्ट में ये पूरा स्ट्रक्चर एल जॉइंट में फिक्स करूँगी। अब हमारा ये बेसिक स्ट्रक्चर रेडी हो गया है। अभी मैं पाइप को ब्लैक स्प्रे पेंट से पेंट करूँगी। स्प्रे पेंट एक इजी मेथड है पीवीसी पाइप को पेंट करने के लिए, इससे एक शाइन आ जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे स्प्रे पेंट यूज़ कर रही हूँ। लैम्प का बेस तैयार करने के लिए सेम जो प्रीवियस लैम्प को मेथड यूज़ की है वही मेथड मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। यहाँ मैंने फ्लोरोसेंट बल्ब लिया है और एक्स्ट्रा वायर उसे अटैच कर लिए है। वायर को पहले पीवीसी पाइप में इंसर्ट कर लेंगे, उसके बाद ही 2 पिन को वायर को अटैच करना है। मैंने कुछ स्प्रे पेंट व्हाइट सीमेंट ब्लॉक में भी कर दिया था। आपको ये DIY लैम्प कैसे लगे मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो को लाइक शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले हफ्ते ऐसे ही इंटरेस्टिंग कुछ आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लिव योर ड्रीम्स।